हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो है ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये पूरा वीडियो समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो टॉपिक है ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ये जो है इसमें कई परिभाषाएँ हैं, तो मैं सभी परिभाषाओं को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पहली परिभाषा क्या है कि आयनिक सिद्धांत के आधार पर, तो आयनिक सिद्धांत के आधार पर जो ऑक्सीकरण होता है उसकी परिभाषा हो जाती है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। यानी इसमें धन आवेश क्या होता है, बढ़ता है, और नेगेटिव जो आवेश होता है, ऋण आवेश, वो घट जाता है। जैसे यहाँ फेरस आयन का उदाहरण देख लीजिए, फेरस आयन का फेरिक आयन में जो है परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे धन आवेश जो है बढ़ रहा है, इस पे फेरिक आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। जबकि अपचयन की परिभाषा में देखिए, जस्ट इसका अपोजिट है, जिसे अवकरण भी बोलते हैं, अपचयन या अवकरण या रिडक्शन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है या ऋण आवेश बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, SnCl4 में जो है SnCl4 SnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है Sn जो है इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, अब ये चार्ज कम होकर Sn डबल पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धन आवेश घट जाता है। और यहाँ पे क्लोरीन जो 4Cl- था वो 2Cl- हो जाता है, तो ये इस तरीके से ये जो है ऋण आवेश बढ़ता है। इसके अलावा भी ऑक्सीकरण की परिभाषा है आयनिक सिद्धांत के आधार पर, अभी आपने देखा इसमें इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के आधार पर देखे कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे सोडियम का उदाहरण देख लीजिए, सोडियम जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, या क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जबकि अपचयन में क्या होता है, अपचयन की परिभाषा हो जाएगी कि वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। जस्ट ऑक्सीकरण का ये अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरीके से इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। या फिर जो है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो अब आगे देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो जब हाइड्रोजन की स्थिति आती है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि यह बहुत पहले इससे प्रचलित थी, परंतु आज भी यह जो है कार्बनिक रसायन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए कि यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक H2S है, जो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाती है तो जल जो है बन जाता है, H2O बन जाता है। मतलब यहाँ सल्फर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, H2S गैस से सल्फर में ऑक्सीकृत हो रहा है। और अपचयन में क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन कहलाता है। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण में क्या होता है, एथीन में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो एथीन बनता है, या फिर H2Cl2 जुड़ते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। तो यहाँ पे एथीन का एथीन में तथा क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है के आधार पर होता है। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, मतलब अपचायक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब देखिए, ऑक्सीकारक परिभाषा देखनी हो तो देख लीजिए कि ऑक्सीकरण वे पदार्थ हैं,
आक्सी कारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रमुख पदार्थ है जो ऑक्सीजन O2, O3, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, HNO3, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7, लेड ऑक्साइड PbO2, ये सब जो है आक्सीकारक पदार्थ हैं। कुछ अपचायक पदार्थ भी होते हैं जैसे H2, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, SO2, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड और स्टेनज क्लोराइड SnCl2, ये सब क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं जो आक्सीकरण एवं अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये पदार्थ वे होते हैं जैसे H2S, H2O2 और SO2 और नाइट्रस अम्ल HNO3, ये सब क्या करते हैं, आक्सीकरण और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब Fe+ 2HCl के साथ जब अभिक्रिया होती है तो FeCl2 बनता है और दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आक्सीकरण और अपचायक दोनों जैसा, मतलब आक्सीकरण वह पदार्थ है जो किसी पदार्थ की आक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है, जबकि अपचायक वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ की आक्सीकरण संख्या को घटा देता है। तो जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह आक्सीकरण होता है, अर्थात वह अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या घटती है वह अपचयन होता है, अर्थात वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत भी सब रासायनिक अभिक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनमें परमाणुओं के आक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। सामान्यतः रेडॉक्स रिएक्शन के अभिकारकों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कभी कभी आक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया अकेली नहीं होती, दोनों साथ साथ होती हैं। एक ही अभिक्रिया में यदि किसी चीज़ का आक्सीकरण होता है तो किसी दूसरी चीज़ का अपचयन होता है, इसलिए इसका हम अलग अलग अध्ययन न करके एक साथ अध्ययन करते हैं और दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स जो होता है, RED रेड जो है रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन OXI से ऑक्सीडेशन, दोनों मिलकर रेडॉक्स बना हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का आक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, कॉपर सल्फेट का जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर, यहाँ पे जिंक और जिंक सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर सल्फेट तथा कॉपर का अपचयन हो रहा है। दूसरा उदाहरण है कि Fe2O3+3CO का 2Fe+3CO2, यहाँ पर Fe2O3 तथा 2Fe का अपचयन और 3CO तथा 3CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरीके से हमने सभी परिभाषाएं पढ़ ली। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।